नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि हमारे चैनल से आप जुड़े रहे। और जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स में बात कर रहे हैं, कुछ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन उठाए हैं, तकरीबन हर एक टॉपिक को टच करके हमने नए नए क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर्स पे हर दिन जो है आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन रहेगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स लाने का हमारा मेन मोटिव होता है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी पीछे जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो चुका है कि इसमें इतनी ज़्यादा लेजीनेस है, क्योंकि बुनियाद होती है एजुकेशन हर चीज़ का, यहीं से डॉक्टर निकलते हैं, यहीं से इंजीनियर निकलते हैं, यहीं से बड़े बड़े पायलट निकलते हैं, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट निकलते हैं। तो यानी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो पीछे जा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसलिए हमारी ये एक छोटी सी कोशिश है कि हम अपने दोस्तों को, अपने जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको करंट अफेयर से कम हम जो है अपडेट रखें। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी जो हैं हमारे इस चैनल के साथ जुड़ें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है उस पर बात करते हैं पहले कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंडियन नेवी डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, इंडियन नेवी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है हमें 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है हमारे पास 2 दिसंबर, ऑप्शन सी है 3 दिसंबर और ऑप्शन जो डी है हमारे पास वो है 4 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है यह है हमारा डी ऑप्शन, दैट इज़ अ 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को जो इंडियन नेवी डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पवन सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज वन ऑफ द मेंबर ऑफ जजेस कमेटी ऑफ डैश। पवन सिंह जो है ये पहले इंडियन बने, और ये जजेस कमेटी कौन सी जजेस कमेटी है जिसके लिए जिसके मेंबर के तौर पर इनको इलेक्ट किया गया। कमेटी एक का ऑप्शन है हमारे पास TFSS, बी ऑप्शन है हमारे पास ISSF, सी ऑप्शन है FFT और डी ऑप्शन है हमारे पास IAAF। इसमें जो राइट आंसर है वो है ISSF। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, ये इसके 7 मेंबर होते हैं और इसके 7th मेंबर के तौर पर इनको जो है इलेक्ट किया गया है पवन सिंह को। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जॉन रिडगन वाज स्वॉर्न इन एज द CEO ऑफ डैश। किसके CEO बने जॉन रिडगन। ऑप्शन ए है FFA, ऑप्शन बी है IOC, ऑप्शन सी है IAAF, ऑप्शन डी है FIBA। तो इसमें राइट आंसर जो है वो सी है, द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के जो है CEO बने हैं, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एथलेटिक फेडरेशन के काउंसिल है उसने अप्रूवल दिया है। ये 2015 काउंसिल की मीटिंग थी जो मोनाको में हेल्ड हुई थी, और ये मार्च से जो है इसका चार्ज जो है वो संभालेंगे CEO का। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री प्लान्स टू लीव OPEC फ्रॉम जनवरी 2019। कौन सी कंट्री का प्लान है OPEC को लीव करने का, OPEC को छोड़ने का 2019 जनवरी से। ए ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है कतर, सी ऑप्शन वेनेजुएला और डी ऑप्शन है नाइजीरिया। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, कतर ने डिसीजन लिया है कि वो
ओपेक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसको लीव कर देंगे जनवरी 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मैन मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कौन सा मैन मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए? पहला ए ऑप्शन है सियोज मिशन, बी ऑप्शन है अपोलो 11 मिशन, सी ऑप्शन है शेनजाओ मिशन और डी ऑप्शन है त्यानगोंग टू मिशन। तो इसमें राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, सियोज मिशन जो है वो पहला मिशन है, मैंड मिशन जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। हु लॉन्च्ड अ पैसा पोर्टल फॉर प्रोसेसिंग इंटरनेशनल सबवेंशन ऑन बैंक लोन टू बेनिफिशरीज अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन? ए ऑप्शन है थावरचंद गहलोत, बी ऑप्शन है अशोक गजपति राजू पशुपति, सी ऑप्शन है रामविलास पासवान और डी ऑप्शन है दुर्गा शंकर मिश्रा। तो इसमें राइट आंसर है, इस योजना का जो पोर्टल का जो इनॉग्रेशन किया गया है वो किया गया है दुर्गा शंकर मिश्रा के द्वारा, जो डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। T.S. Vijayan was appointed as the additional director of which of the following bank? कौन से बैंक का इनको एडिशनल डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया गया है? ए ऑप्शन है यस बैंक, बी ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सी ऑप्शन है IDBI बैंक और डी ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसमें राइट आंसर जो है वो ए है, यस बैंक के एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर जो है इनको अपॉइंट किया गया है। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, दिस कंपनी प्लान्स टू मर्ज विद ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर। कौन सी कंपनी जो है इसके साथ जुड़ जाएगी, मर्ज हो जाएगी, इसमें मिल जाएगी? ए ऑप्शन है मारिको लिमिटेड, बी ऑप्शन है लार्सिन टॉबरो, सी ऑप्शन है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और डी ऑप्शन है ITC लिमिटेड। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है ये किस में मर्ज हो जाएगी? ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर में। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप इन द ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक 2018? कौन सी कंट्री ने टॉप किया? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, यूनाइटेड अरब अमीरात का जो इंडेक्स है उसने टॉप किया है ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक 2018 में। टेंथ क्वेश्चन है, हु वॉन बैलोन डॉर 2018 इन पेरिस? पेरिस में बैलोन डॉर जो है वो किसने जीती? ए ऑप्शन है लुका मॉड्रिक, बी ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी ऑप्शन है लियोनेल मेसी और डी ऑप्शन है एंटोइन ग्रिस्टमैन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज़ अ लुका मॉड्रिक जिसने बैलोन द ओर 2018 जो है वो जीती। टिप्स एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम लॉन्च्ड बाय, टिप्स एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है इसको किसने लॉन्च किया? ए ऑप्शन है इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन ऑफ यूरोपियन यूनियन, बी ऑप्शन है बैंक ऑफ इंग्लैंड, सी ऑप्शन है यूरोपियन सेंट्रल बैंक और डी ऑप्शन है बैंक ऑफ फ्रांस। तो इसको जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने लॉन्च किया है, सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है इसका। हु बैग्ड द हीरो टू एनिमल्स बाय पैटा, हीरो टू एनिमल्स ये अवार्ड किसको मिला? ए ऑप्शन है इमरान हुसैन, बी ऑप्शन है पूर्वी दोषी, सी ऑप्शन है कोरकिजा, डी ऑप्शन है नोट्राइबा। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, इमरान हुसैन, उनको अवार्ड दिया गया है पीपल फॉर एथनिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पैटा के द्वारा।
13th क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट इंडियन हु वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन इंटरनेशनल अल्ट्रा रनिंग इवेंट, कौन है जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता इंटरनेशनल अल्ट्रा रनिंग इवेंट में? ए ऑप्शन है उल्लास नारायण, बी ऑप्शन है संदीप कुमार, सी ऑप्शन है सुमन कुमार मिश्रा और डी ऑप्शन है विनय कुमार शाह। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, उल्लास नारायण जो हैं वो पहले इंडियन बने जिन्होंने इंडिविजुअली जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता इंटरनेशनल अल्ट्रा रनिंग इवेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सेकेंड स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च द इमरजेंसी मोबाइल नंबर, कौन सी स्टेट है जिसने इमरजेंसी मोबाइल नंबर जो है वो लॉन्च किया, ये दूसरी स्टेट है जिसने इमरजेंसी मोबाइल नंबर लॉन्च किया। ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन नागालैंड, सी ऑप्शन महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ अ नागालैंड। नागालैंड दूसरी स्टेट है कंट्री में हिमाचल प्रदेश के बाद जिसने इमरजेंसी जो नंबर है वो लॉन्च किया, ये पैन इमरजेंसी नंबर है 112। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ हार्ट हेल्थ रिसेंटली, नेट हेल्थ का जो सेक्रेटरी जनरल है किसको अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली ही? ए ऑप्शन है अमित मुकिम, बी ऑप्शन है सिद्धार्थ भट्टाचार्य, सी ऑप्शन है सुदर्शन बल्लाल और डी ऑप्शन है प्रथा रेड्डी। तो इसमें राइट आंसर जो है वो बी है, सिद्धार्थ भट्टाचार्य को इसका सेक्रेटरी जनरल जो है नेट हेल्थ का वो अपॉइंट किया गया। 16th क्वेश्चन है हमारा, हु एज्यूम्स चार्ज एज अ टेक्निकल मेंबर इन द एपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी? ए ऑप्शन है सुरेश गुप्ता, बी ऑप्शन है नरेश कुमार, सी ऑप्शन है रविंद्र कुमार वर्मा और डी ऑप्शन है वेंकटेश कुमार। इसमें राइट आंसर जो है वो है हमारा सी ऑप्शन, दैट इज़ अ रविंद्र कुमार वर्मा, इन्होंने चार्ज संभाला है टेक्निकल मेंबर इन द एपलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, ये 3 साल के पीरियड के लिए रहेंगे इसके जो मेंबर। 17th क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी, किसको अपॉइंट किया गया नया फाइनेंस सेक्रेटरी? तो ए ऑप्शन है हमारा सुरेंद्र कुमार सोलंकी, बी ऑप्शन है पूमा टोडू, सी ऑप्शन है अजय नारायण झा और डी ऑप्शन है पारिकी पंडला नारा हरी। तो इसमें राइट आंसर जो है वो सी है, अजय नारायण झा को अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइनेंस सेक्रेटरी जो है ये नए बने हसमुख अधिया के बाद। सो वेयर डिड ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज द सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, कहाँ पर ये हेल्ड हुई? तो पहला है ए ऑप्शन हैदराबाद, बी ऑप्शन है पुणे, सी ऑप्शन चेन्नई और डी ऑप्शन है न्यू दिल्ली। तो इसमें राइट आंसर जो है ये जो कॉन्फ्रेंस है ये न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई, डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इसका। 19th क्वेश्चन है हमारा, विनेश फोगट वॉन अ डैश मेडल इन द 57 kg ऑफ टाटा मोटर सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप, कौन सा मेडल जीता इसने? ए ऑप्शन है गोल्ड, बी ऑप्शन है सिल्वर, सी ऑप्शन ब्रॉन्ज और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर जो है वो ए है, विनेश फोगट ने और जो साक्षी मलिक हैं इन्होंने जो स्टार परफॉर्मर हैं एक ने 57 kg में और एक ने 62 kg में जो है रिसेंटली टाटा मोटर सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इसका। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, द सेंटर एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव साइंड एन $85 million लोन टू इम्प्रूव स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सी स्टेट में स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने एक मेमोरेंडम जो है $85 million का लोन के लिए अप्रूव किया है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन बिहार और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसमें राइट आंसर है उड़ीसा।
उड़ीसा के साथ जो है इन्होंने ये लोन का जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है। सो शुक्रिया सभी का हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यूज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सभी का धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद सभी का जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।